स्वागत है आप सभी के हमारे सजीर बाइक गुरु चैनल में आने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, मेरा नाम है सजीरुद्दीन और आप देख रहे हैं सजीर बाइक गुरु। तो चलिए कुछ नया सीख लेते हैं दोस्तों। यामा कंपनी का फीजर बाइक है और इस बाइक का प्रॉब्लम हो चुकी है क्लच का। ऐसे बाइक क्लच में गियर में देने के बाद जब बाइक को टानते हैं तो बाइक रुक जाता है, नहीं टानता है। तो इसका रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। पूरा हाउसिंग को खोल लिया है, जैसे कि आप लोगों का बाइक का भी ऐसा प्रॉब्लम हो, गाड़ी नहीं टानता है, पिकअप ज़्यादा नहीं मिलता है। तो सबसे पहले आपको खोलिए क्लच चैम्बर को, खोलने के बाद वॉश कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। यह हाउसिंग बॉडी ख़राब हो चुकी है और यह सेंटर भी ख़राब हो चुकी है। और क्लच प्लेट देखो एकदम जल चुकी है, क्लच प्लेट किस तरह से है। तो दोस्तों ऐसा अगर क्लच प्लेट जल जाएगा तो बाइक नहीं चलेगा, बाइक का जो पिकअप है और शक्ति नहीं मिलेगा, बाइक नहीं टनेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पूरा असेंबली मुझे चेंज करना है। तो आपके मन में सवाल होता है इस पूरा असेंबली का कीमत कितना है, इसका दाम कितना है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा हर चीज़ का किसका कितना कीमत है, तब जाके एक बाइक जब फिट हो जाएगा तो खर्चा कितना आएगा। तो पूरा वीडियो मेरा देखिए, तब मैं आपको पता चलेगा। मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। यहाँ जेनुइन पास मैंने लाया है, क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट सेंटर हर कोई चीज़ यहाँ है। तो मैं आपको बताता हूँ, दो करके है ठीक है, चार क्लच प्लेट रहेगा। तो इसका कीमत कितना है, 330 रुपया दो पीस का है, 274 रुपया दो पीस का, 274 रुपया और ये दो पीस का 330 रुपया। तो अलग अलग कीमत है। तो ये किस लिए अलग कीमत है मैं आपको बताऊंगा। ये दूसरा क्लच प्लेट है और ये दूसरा क्लच प्लेट है। तो महंगी वाली जो क्लच प्लेट है उसे साइड में देना पड़ेगा और जो सस्ती वाली है उसे बीच में देना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूँ हम बाद में। यह प्रेशर प्लेट, प्रेशर प्लेट की कीमत है 123 रुपया ठीक है। इसमें तीन प्रेशर प्लेट है ठीक है। और दोस्तों यह क्लच हॉब, क्लच हॉब है 287 रुपये इसका कीमत है क्लच हॉब्स का। और सेंटर का है, यह सेंटर है इसका है 140 रुपया। तो मेरे हिसाब से क्लच सेंटर और क्लच हॉब्स कम ही रेट है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हीरो होंडा का ज़्यादा है। और हिसाब से क्लच प्लेट भी ज़्यादा नहीं है, ठीक ही है। तो पूरा मिला के खर्चा कितना पड़ा आपने हिसाब कर लीजिए, 1400 रुपया आपका गिर जाएगा क्लच असेंबली में, वो भी यामा बाइक में जेनुइन पार्ट्स। तो ये पूरा सेट असेंबली करूँगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। मैंने पूरे पार्ट्स को वॉश कर लिया है, वॉश करने के बाद सेटिंग करूँगा। चलिए स्टार्ट करता हूँ। इस बाइक में कीक नहीं है, आइडियल पिनियम ही नहीं है, सिर्फ स्टार्ट सेल्फ स्टार्ट से होगा। और यहाँ देखिए सर का है, बैलेंसर है, मैंने गलती से बोल दिया सेल्फ बेचारे, ये बैलेंसर है और ये जेबीडी पिनियम। तो इसका बैलेंसर का वीडियो अलग से बनाएंगे जब हम इंजन खोलेंगे, तो बाद में आप लोगों को दिखाएंगे। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो चलो क्लच असेंबली करते हैं। पहले हाउसिंग को सेटिंग करेंगे। हाउसिंग सेटिंग हो गया, उसके बाद एक वॉशर होगा, एक कटिंग वॉशर होगा। कटिंग वॉशर को हम डाल देंगे इस तरह से, जिस तरह मन उस तरह रखेंगे। उसके बाद हम लगाएंगे हॉब्स को। यह ओरिजिनल जेनुइन हॉब। इसका हाउसिंग पुलर अलग से रहता है, लेकिन मेरे पास मैंने इसे बनाया है प्रेशर प्लेट को कटने के वक्त। देखिए प्रेशर प्लेट को कट रहा है, ये प्रेशर प्लेट है, इसको कट के हाउसिंग पुलर मैंने बनाया है। देखो ये बिल्कुल हाउसिंग पुलर बन चुकी है।
और ज़रूरत नहीं है हौजी पुलाव ख़रीदने का, तो चलो इसे लॉक कर देता हूँ। दोस्तों ये महंगी वाली है और ये सस्ती वाली, तो महंगी वाली का लेदर अलग से है और सस्ती वाली का अलग से है, क्योंकि ये बीच में रहेगा और महंगी वाली दो साइड में रहेगा, क्योंकि क्लास सेंटर हॉर्स को यही बाइक को ताकत मिलता है, तो मैंने दो क्लास प्लेट को दो साइड कर दिया, कि यहाँ दे दिया कि यहाँ दे दिया। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता करके लूँगा, जैसे कि एक क्लास प्लेट अंदर लगा दिया। तो दोस्त एडजस्ट करेंगे किस तरह से क्लच एडजस्ट करें। तो दोस्तों इसका क्लच किस तरह से करें, क्लच एडजस्ट किस तरह से करें, देखो ये नॉट हम आहिस्ता आहिस्ता करके ले जाएंगे, हम ज़्यादा ज़ोर से टाइट नहीं करेंगे, ये इस नॉट को आहिस्ता करके ले जाके आर नहीं जा रहा है तो हम नहीं ले जाएंगे, थोड़ा और ढीला कर देंगे, बस इस नॉट को टाइट कर देंगे, बस मेरा क्लच कम्प्लीट हो जाएगा। देखो कोई तार को छेड़खानी करने का ज़रूरत नहीं, खला यहीं से हम टाइट कर सकते हैं। तो ये एडजस्ट हो गया है, अब मैं इस नॉट को टाइट कर दूंगा, बस ये जंप हो गया है और बाइक का क्लच भी हो गया है। तो दोस्तों इसी तरह से काम करते हैं, अब मैं आपको चैम्बर वगैरह लगा के दिखाता हूँ। देखा तो बना इसे नया लगाया और इस तरह से हम इसको यहाँ सेटिंग करेंगे। यहाँ सेटिंग करने से क्या होता है, ये गज जाएगा। दो छोटा वाला नॉट इस सर्कल के अंदर रहेगा और बड़ा वाला नॉट यहाँ रहेगा। दोस्तों इंजन ऑयल डालूंगा और हर कोई बाइक में मैं कैस्ट्रोल एक्टिव भी डालता हूँ, ये मुझे बेस्ट लगता है। इसका एलुब्रिकेंट PND40 है और ये मार्केट में ज़्यादा चलता है, हम लोगों का जो ऑयल बंगल है वो कस्टमर ही बोलता है कैस्ट्रोल एक्टिव डालो, तो कैस्ट्रोल एक्टिव बेस्ट है मेरे हिसाब से, ये मार्केट में चलता है। तो इंजन ऑयल डालूंगा, रख दे नहीं है लेकिन स्कूटी का जो ढक्कन होता है उसके अंदर ये काक मुझे मिल जाता है, तो इसे मैंने लगा दिया और बाइक में डालूंगा। बस वाइल ख़त्म हो गया, वाइल ख़त्म हो गया, अब बाइक को स्टार्ट करूंगा। दोस्तों इसी तरह काम करते हैं। दोस्तों अगर इस बाइक का फ्यूल इंजेक्टर फ्यूल पंप किस तरह से वॉश करें देखना चाहते हो तो हमारा अगला वीडियो में जाइए, हमारे चैनल में जाके आपको मिल जाएगा। फ्यूल इंजेक्टर को फ्यूल पंप को मैंने वॉश किया है, किस तरह से किया है उस वीडियो में जाइए आपको मिल जाएगा। तो चलिए मेरा वीडियो ख़त्म हो गया, इसी तरह काम करते हैं।